सबको मेरी तरफ से नमस्कार, मैं आदाब। मेरा नाम वीरता है। हमारे ग्रुप का नाम 18 मुझ है, मैं उसमें सेक्रेटरी हूँ। हमारे वीओ का नाम बरशाला है और हमारे ब्लॉक का नाम गुंदना है। और ये 2014 से जैसे कि हमारे ब्लॉक में ये उम्मीद स्कीम आई, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। पहले तो हमें कोई भी पूछता नहीं था यहाँ पे, और हम तो बहुत ही गरीब थे, कोई हमें मदद भी नहीं करता था। जब से ये स्कीम हमारे गुंदना में लॉन्च हुई, सबसे पहले हमारे गांव में आई, तो इस गांव में सबसे गरीब घर हमारा ही था। हम दो ही बहनें थी यहाँ पे। आंध्रा से जो लोग आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे घर आए, बोलते हैं आप इस स्कीम से जुड़ो। मैं कहा नहीं, हमें क्या फ़ायदा है, हमें तो 100 रुपया भी हम कहाँ से जोड़े, हमारे पास है ही नहीं। बोलते नहीं, आप जुड़ो, आप महीने का 120 रुपया जमा करना है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। फिर उम्मीद से जुड़ के हमारा मकान भी गिर गया था। फिर उसके बाद हमें उम्मीद से लोन लिया, जैसे पहले हमने 10,000 लिया, उसके बाद 20,000 लिया, उसके बाद 1,00,000 लिया, और आज हम इस स्कीम से 5,00,000 तक लोन लेते हैं। और हमें बहुत फ़ायदा हुआ इस स्कीम का, हमें बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ पे। सब उन्हें अपने रोज़गार खोले, किसी ने करियाना शॉप खोली, हमने मेडिकल शॉप खोली है, फिर मैंने अपनी छोटी बहन को एक पार्लर खोल के दिया, और यहाँ पे डेयरी की दुकान खोली है, बहुत सारे रोज़गार चल रहे हैं। और यहाँ पे जो 5-6 गाड़ियाँ हैं वो भी उम्मीद के लोन से ही चल रही हैं। हमें इस उम्मीद स्कीम से बहुत फ़ायदा हुआ। हम धन्यवाद करते हैं इस स्कीम का और जिन्होंने ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की, उन लोगों का। मैम, इसके अलावा आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे स्कीम के रिलेटेड? हम यही सबको कहना चाहेंगे कि इस स्कीम से जुड़ें। ये स्कीम कोई पैसे के लिए भी नहीं है, ये स्कीम इसलिए भी है कि आपस में एक तालमेल रहता है, हमदर्दी रहती है, एक दूसरे की बातचीत बनी रहती है। और अगर हमें कुछ भी कोई प्रॉब्लम होगी गांव में, जैसे हमें एक बार यहाँ पे ट्रांसफार्म जल गया था, तो हम सब महिलाओं ने जाकर ठाठरी में बोला था, और दूसरे ही दिन ट्रांसफार्मर यहाँ पे पहुँचा था, तब तो रोड भी नहीं थी। हम एकता से रहते हैं और हम आगे मिलके हर कोई काम भी कर सकते हैं इस स्कीम से जुड़ के। मतलब कि हमारी महिलाओं की एक मीटिंग होती है, जैसे हफ्ते में हम 10 महिलाएं जुड़ती हैं, और महीने में हम कम से कम 100 महिलाएं मिलती हैं, और एक दूसरे का सुख दुख भी बांट सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका हल भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।